वेलकम टू माय चैनल दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए एक शेयर लेकर आया हूं। और ये आईटी सेक्टर का शेयर है और शेयर का नाम मैं अगर आप लोग को बता दूं तो देखिए एम्फैसिस लिमिटेड, ये आईटी सेक्टर की कंपनी है। और इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए मैं बताऊंगा, नॉट फॉर ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं इसमें पोजीशन बनाना है आपको। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है अगले 2 से 4 सालों के लिए, 5 सालों के लिए, आप इस शेयर में इन्वेस्टमेंट अपना कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी कंपनी है और मिड कैप की कंपनी है। इसका देखिए मार्केट कैप यहाँ पर हमें दिख रहा है 18,595 करोड़ की कंपनी है और मिड कैप में आती है। और इसके रिटर्न भी मैं आप लोग को लास्ट में दिखाऊंगा कि इतने लॉन्ग टाइम फ्रेम पे हमें कितना रिटर्न दिया है, उस हिसाब से हमें ये डिसाइड करना होता है कि ये आगे चलकर भी रिटर्न दे सकती है या नहीं दे सकती है। और इसके चार्ट पे मैं लेके चलूँगा और एंट्री पॉइंट वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा किस रेट पर ये शेयर आपको मिलेगा, तो वहाँ पर आपको बाई करना है। और अगले 2 साल से पहले अगर आपको बेचना है तो इसमें इन्वेस्टमेंट मत करिए, कम से कम 2 साल से ज़्यादा ही इसको होल्ड करिए, तो आपको शानदार, काफ़ी आपके पैसे शायद दोगुना हो सकता है इस स्टॉक में। मतलब काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है ये कंपनी। अगर आप लोग यहाँ पर देखते हैं तो इसका करंट प्राइस देखिए चल रहा है 997 रुपये और 52 वीक इसका हाई है 1265 और 52 वीक लो है इसका 855। ठीक है, देखिए डिविडेंड भी देती है और सेल्स ग्रोथ भी इसकी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर 8.33% का इसका सेल्स ग्रोथ है। और देखिए लॉन्ग टाइम फ्रेम पे हम लोग इसका चार्ट देखते हैं तो चार्ट भी काफ़ी यहाँ पर शानदार दिखता है, ऊपर की तरफ जाते हुए देख रहे हैं आप लोग, कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा है ये स्टॉक। और कंपनी देखिए डेब्ट फ्री है, बिल्कुल कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है यहाँ पर दिख रहा है हमें, कंपनी वर्चुअली डेब्ट फ्री। और देखिए यहाँ पर आईटी सेक्टर की कंपनी यहाँ तो दिखा रहा है, लेकिन कंपनी थोड़ा छोटी अभी स्टार्टअप है इस कंपनी का। और देखिए इस सेक्टर में काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनियाँ उससे बड़ी हैं, जैसे कि TCS है, इन्फोसिस है, विप्रो है और HCL टेक्नोलॉजी, एफिटेक महिंद्रा है, और ये 7वें नंबर पे देखिए कंपनी आती है अपने सेक्टर में। लेकिन आईटी सेक्टर की कंपनियाँ सबसे ज़्यादा पैसा कमाती हैं और वो ही कंपनियाँ ज़्यादा रिटर्न देती हैं आप लोग को। तो अगर इसमें 2 साल 4 साल 5 साल के लिए आप इसको इन्वेस्टमेंट के लिए लेते हैं, रखते हैं, आगे चलकर ये आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न देगी कंपनी। अगर इसका क्वार्टरली रिजल्ट हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए 2016 में इसकी सेल्स हुई थी 1518 करोड़ की, 1518 करोड़ की इसकी सेल हुई थी 2016 में। और देखिए 2019 में इसकी सेल्स हो गई है 2063 करोड़, सीधा मतलब डबल से थोड़ा सा कम, 1.5 गुना तो हो ही गया है यहाँ पर इसकी सेल्स। और प्रॉफिट अगर हम देखते हैं तो 2016 में इसका 207 करोड़ का प्रॉफिट था, अभी देखिए 265 करोड़ का प्रॉफिट इसका 2019 में आया है। अगर इसका हम प्रॉफिट एंड लॉस अगर देखते हैं हम लॉन्ग टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पर सेल्स हुई थी देखिए 2008 से अगर इसका हम देखते हैं तो 2008 में हुई थी इसकी सेल्स 1907 करोड़, और अभी देखिए 7973 करोड़ इसका सेल्स पहुँच गया है 2019 में। और नेट प्रॉफिट अगर देखते हैं तो यहाँ पर 2008 में नेट प्रॉफिट था इसका 295 करोड़, और अभी का प्रॉफिट इसका 1073 से 1080 करोड़ तक पहुँच गया है इसका नेट प्रॉफिट। अगर हम इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखते हैं तो पिछले 5 साल में रहा है 24% का, पिछले 3 साल में 8% का रहा है कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ। अगर इसका देखते हैं पिछले 5 साल में 18% का और पिछले 3 साल में 18% का। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर हम देखते हैं ROE, तो इसका पिछले 5 साल में 14% का है और पिछले 3 साल में 15% का, और लास्ट ईयर 19% का, 19.96 मतलब 20% का इसने रिटर्न दिया था लास्ट ईयर। और चलिए मैं आपको इसको लॉन्ग टाइम फ्रेम पे रिटर्न भी दिखाऊंगा इसमें लास्ट में चलकर आपको, कि इसने लॉन्ग टाइम फ्रेम पे 1 साल 3 साल 5 साल और 10 साल पे हमें कितना रिटर्न दिया है। देखिए कंपनी तो मुझे अच्छी लग रही है, लेकिन आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर कर लें, या तो आपके जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं आप उनसे सलाह मशवरा कर लें, तभी आप इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करें। मेरे कहने पे ना जाएं, मैं गलत भी हो सकता हूं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसके चार्ट पर लेके चलते हैं हम आपको, और वहां पर देखने की कोशिश करते हैं कि यहां पर कितना स्टॉक सस्ता हमें मिले उतना हमारे लिए अच्छा है। कि देखिए किसी भी स्टॉक को सस्ता ख़रीदना भी एक प्रॉफिट होता है, ऐसा नहीं कि कभी भी इन्वेस्टमेंट करना है चलो 5 साल के लिए तो कोई बात नहीं है ले लें। हमें 5 साल के लिए करना है तो ऐसा थोड़ा ही कि किसी भी रेट पे हमें उसमें एंट्री ले लेना है, हमारे पास पैसे हैं तो उसको लुटाना थोड़ा ही है। जितना वो सस्ता हमें शेयर मिलता है उतना हमारे लिए अच्छी बात है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसके चार्ट पर लेकर चलता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने एम्फैसिस का चार्ट खोल लिया अपने ज़ीरोधा के प्लेटफॉर्म पे, और ये देखिए काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है ये शेयर। अगर हम लोग देखते हैं तो इसका कंसोलिडेट वाला जो फेज़ है इसका
जहाँ पर ये कंसोलिडेट कर रहा है काफ़ी दिनों से, उस प्राइस को हम लोग अगर देखना चाहें तो यहाँ पर देखिए 1022 रुपये से लेकर के और यहाँ तक देख रहे हैं आप लोग। यहाँ पर देखिए मार्च 2019 से लेकर के अब तक यहाँ पे ये स्टॉक इसी के बीच में घूम रहा है, 906 रुपये और 1022 रुपये के आसपास ये घूम रहा है काफ़ी दिनों से इसी के बीच में। और एक और अगर हम लोग इसका देखते हैं यहाँ पर कि इसका रेजिस्टेंस कहाँ पर बना हुआ है शॉर्ट टर्म में, तो रेजिस्टेंस हमें यहाँ पर शॉर्ट टर्म में दिख रहा है ये वाला प्राइस जो कि हमें यहाँ पर निकल कर आ रहा है 1014-15 रुपये के आसपास। तो अगर ये स्टॉक देखिए 997 रुपये चल रहा है और यहाँ पर एक देखिए ग्रीन कलर की काफ़ी बड़ी कैंडल बन चुकी है, अगर ये स्टॉक देखिए यहाँ पर अगर 1014 के ऊपर कंटिन्यू क्लोज करता है एक दो दिन तो आप इसमें एंट्री कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में, चाहे तो 1050 रुपये के लिए आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। और अभी देखिए एंट्री करने का कोई भी पॉइंट नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है, हो सकता है कि ये स्टॉक 1014 से यहाँ से फिर से गिर जाए और फिर से अपने वाले निचले वाले स्तर पर आ जाए जो कि 922 रुपये या 950 रुपये के आसपास से वहाँ तक आ सकता है। अभी आप इसको इसमें लॉन्ग टर्म में भी नहीं इन्वेस्ट करना है ना तो शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, ना तो लॉन्ग टर्म में ना तो शॉर्ट टर्म में। अगर लॉन्ग टर्म में करना है आपको तो ये 1014 रुपये का जो प्राइस है यहाँ से टच करके ये इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक बार और एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर देखिए गिरा यहाँ से स्टॉक, तो हो सकता है इससे गिर के फिर अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो ये स्टॉक आपको 950 से अंदर मिल सकता है, तो आप इसमें एंट्री बना सकते हैं। अगर यहाँ 1014 रुपये से गिरा तो वो 950 रुपये का प्राइस आराम से टच करेगा, आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए फिर से वहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। और शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर कोई एंट्री पॉइंट नहीं बनता है, 1014 के ऊपर लगातार दो दिन क्लोज करें उसके बाद आप लोग यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री कर सकते हैं और टारगेट होगा 1050 रुपये का, ठीक है। तो दोनों मुझे लगता है कि दोनों समझ में आ गया आपको, शॉर्ट टर्म वालों के लिए भी और लॉन्ग टर्म वालों के भी के लिए भी। लॉन्ग टर्म वालों के लिए अगर 1014 के ऊपर लगातार दो दिन क्लोज करता है तो भी आप एंट्री कर सकते हैं, हो सकता है यहाँ से स्टॉक गिरे तो फिर 950 रुपये के आसपास ये स्टॉक मिलेगा आपको। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोग को लॉन्ग टाइम फ्रेम पे इसके रिटर्न दिखा दूँ ताकि आप लोग को पता चले कि ये स्टॉक कैसा है और पिछले टाइम फ्रेम में हमें जो लास्ट बीता हुआ समय है उसमें कितना रिटर्न हमें दिया है, ताकि हम इसके ऊपर आगे भी ट्रस्ट कर सके कि इसने हमें पिछले टाइम फ्रेम में अच्छा रिटर्न दिया है तो आगे भी ये दे सकता है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने चार्ट खोल लिया इसका एम्फेसिस का और इसने वन वीक में रिटर्न दिया है 1.68% का और टू वीक में इसका रिटर्न है 2.96% का और वन मंथ का इसके रिटर्न देखते हैं तो 3% के इसने रिटर्न दिए हैं और तीन मंथ में इसके रिटर्न भी 3% के हैं और छः महीने में इसके रिटर्न हैं, कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है, फ्लैट रहा है। और ईयर टू डेट मीन्स 1 जनवरी 2019 से लेकर अब तक इसने लगभग 2% के निगेटिव रिटर्न दिए हैं और पिछले एक साल में इसने 19% के निगेटिव रिटर्न दिए हैं और पिछले तीन साल में देखिए 85% के शानदार रिटर्न दिया है इसने, मात्र तीन साल में लगभग दोगुना कर दिया है आपके पैसे को इसने मात्र तीन साल के अंदर। पिछले पाँच साल में इसके रिटर्न हम लोग देखते हैं तो 121% दोगुना से भी ज़्यादा कर दिया इसने आपके पैसे को पिछले पाँच साल में। और पिछले 10 साल में इसके रिटर्न देखते हैं तो 74% और 74% के रिटर्न दिया इसने पिछले 10 साल में। पिछले 10 साल में तो इसका कुछ खास नहीं रहा है लेकिन अब ये स्टॉक चलना स्टार्ट कर दिया है और आगे चलकर आप कम से कम 2 साल के लिए आपको होल्ड करना है तो ही आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है। उससे कम में आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो मत करिएगा क्योंकि उससे कम में करेंगे तो क्या पता रिटर्न दे या ना दे। और लेकिन अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, जैसे ही मार्केट उठेगी तो ये सारे स्टॉक ऊपर की तरफ जाएंगे और आपको अच्छा रिटर्न देंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग का लिंक दिया गया है, अगर उस लिंक के थ्रू जाकर आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ूंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।